गुड मॉर्निंग क्लास। तो देखिए, लास्ट क्लास हम क्या डिस्कस कर रहे थे? यस, वी वर डिस्कसिंग चार्ज। ठीक है, नहीं चार्ज नहीं, हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स की बात कर रहे थे, राइट? सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस। आपको कुछ होमवर्क भी दिया गया था ना, कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। चलिए हम पहले उसको सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो दिस इज नो, ये तो डन हो गया था ना, इसका होमवर्क करना था। ओके ओके, यस। ये होमवर्क हमें करना था, राइट? चलिए डिस्कस करते हैं। पहला, ऑक्सीजन 2-, ऑक्सीजन 2-, हम क्या लिखते हैं? पहले प्रोटॉन्स लिख लेते हैं, उसके बाद न्यूट्रॉन्स और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीजन कैसे लिखा जाएगा बताइए? यस, 8O16। 16 क्या है इसका? मास नंबर, जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। 8 क्या है इसका? एटॉमिक नंबर। तो बताइए, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है हमेशा किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 16 - 8 इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन के ऊपर, अच्छा है ना चार्ज यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें, जब कोई भी चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होगा? प्रोटॉन्स के, यानी कि 8। 2- का मतलब क्या हुआ? इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्ट कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं? दूसरे के 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्ट कर रखे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 10। 8 तो नॉर्मल होता जब एटम न्यूट्रल होता, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये 2 क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसके ऊपर 2- चार्ज था। क्लियर है? चलिए, तो ये रहा फर्स्ट आंसर आपका। सेकेंड डिस्कस करते हैं, कैल्शियम 2+। ऐसे ही कैल्शियम लिख लीजिए, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताइए कितना होगा? हाँ, 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 40 - 20, यानी कि ये भी 20 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, न्यूट्रल केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, यानी कि 20-20 होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है हमारा? 2+ चार्ज है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को लूज करके दे चुका है, तो 20 में से 2 दे चुका है, यानी कितना बचा? हाँ, 18 इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ मॉलिक्यूल्स वाले CO2। इसके 2 कॉलम बना लेंगे, एक कार्बन के लिए, दूसरा ऑक्सीजन के लिए। कार्बन देखिए कैसे लिखते हैं, 6C12। ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं? 8O16। इसका बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सबका एक साथ लिख लेते हैं। इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6, 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 - 6, 6। 16 - 8, 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अगर होता भी तो वो काम हम कब करते? लास्ट में पूरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। अभी क्या करेंगे, बस लिख लेते हैं। देखिए, क्योंकि चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सब क्या आते हैं? इक्वल। अब देखिए, हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम है ना, तो क्या करिए, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब बताइए, 8 2 16 + 6 22, यानी कि इसके लिए आंसर आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 22। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 2 16 + 6 22। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेन 8 2 16 + 6 22। सबका सही है, आया होगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार्ज वाले। कार्बोनेट आयन, नेक्स्ट वन इज कार्बोनेट आयन CO3
टू माइनस, ये जो टू माइनस चार्ज है ये बताइए किस पे है, कार्बन पे भी ऑक्सीजन पे, एक्चुअली ये पूरे मॉलिक्यूल पे है, इसलिए हम क्या करेंगे पहले नॉर्मली इसको कार्बोनेट आयन की तरह सॉल्व नहीं करेंगे, हम एक कार्बन तीन ऑक्सीजन एटम की तरह सॉल्व कर लेंगे, बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे उसी इलेक्ट्रॉन्स में ये दो क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि टू माइनस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है। तो देखिए कार्बन का 6C12, एक ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8O16, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6। ध्यान रहे अभी हमने प्लस माइनस नहीं किया, हम कब करेंगे जब फाइनल नंबर आ जाएगा तब। देखिए 8, 8, 8 सब न्यूट्रल मान के चल रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन के तीन एटम हैं, सो मल्टीप्लाइड बाई 3। अब देखिए 8, 3 या 24 प्लस 6, 30, इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दिस रेडिकल इज इक्वल टू 30, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8, 3 या 24 प्लस 6, अगेन 30, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 8, 3 या 24 प्लस 6, 30। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर कब आता जब हमें CO3 दिया होता, लेकिन हमें तो क्या मिला है CO3 टू माइनस, यानी कि ये जो CO3 मॉलिक्यूल है इसने दो इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर रखे हैं, अगर नहीं किया होता तो इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि दो इसने और एक्सेप्ट कर लिए, देन इट इज 32। बात समझ में आ रही है मेरी, सही है, कर सकते हैं, चलिए अगर कर सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाइज हाइड्रोजन कार्बोनेट, आई थिंक ये वाले बात डिस्कस पहले हो चुका था, ठीक है तो हम इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट सल्फेट आयन की, SO4 टू माइनस, तो बस फिर सल्फर और ऑक्सीजन का कॉलम बना लीजिए, सल्फर 16S32, ऑक्सीजन 8O16, बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 32 माइनस 16, अगेन 16, इलेक्ट्रॉन्स इसमें हम बिना चार्ज को मान के चलेंगे तो वो भी 16, इसी तरह प्रोटॉन्स 8, न्यूट्रॉन्स 8, इलेक्ट्रॉन्स 8, यहाँ तक आ गया। अभी क्या करना है हमें, टोटल कैलकुलेट करना है, तो लिख लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देखिए ऑक्सीजन के कितने आइटम है आपके पास 4, सो मल्टीप्लाइड बाई 4 सब में कर लीजिए, देखिए 8, 4 या 32 प्लस 16, इट मीन 48, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इट विल बी ऑल्सो 48, 32 प्लस 16, 48, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम के लिए ये भी 48 ही आएगा, लेकिन हमारा एटम न्यूट्रल नहीं है, इस पर टू माइनस चार्ज है, यानी कि इसने दो इलेक्ट्रॉन पहले से एक्सेप्ट कर रखे हैं, 48 और दो एक्स्ट्रा इन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है, टोटल हाँ 50 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है, हमसे ये नहीं पूछा जाएगा, ये तो सबको आता है, आप भी सोच रहे हो सर ये क्या बता रहे, ये तो आ गया हमको, लेकिन हाँ जब तक ये नहीं आएगा आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एक्चुअल इसका यूज कहाँ है हम डिस्कस करते हैं, सो दिस इज लेक्चर नंबर 8। ये होमवर्क था जो कि डिस्कशन हो गया, राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 19 ग्राम फॉस्फेट आयन PO43-, क्लियर है। अब हमसे पूछ रहा है, अभी तक देखिए हम क्या करते थे, हम किसी भी मॉलिक्यूल का कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं या टोटल कितने एटम्स हैं ये कैलकुलेट करते थे, अब हम क्या करेंगे उस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे ये कैलकुलेट करना सीखेंगे आज। तो बहुत सिंपल है, अब मान लीजिए ऐसे ही सिंपल से एक सवाल पूछते हैं, मान लीजिए मेरे पास 10 एटम्स हैं किसके, सल्फर के, मान लीजिए मेरे पास 10 एटम्स हैं सल्फर के, अब हमें ये बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे,
बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए सल्फर 16s32, यानी कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 16। एक एटम सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन्स है। हमसे कितने के लिए पूछा गया? 10 का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? 160 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ रही है? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनके साथ डील करना हमें आना चाहिए। तो जो हम पढ़ रहे थे वो बिल्कुल बेसिक था, वो नाइन्थ की चीज़ें थी, लेकिन हम फिर भी पढ़े। क्यों? क्योंकि बिना उसके आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तब देखिए हमसे क्या पूछा गया कि 19 ग्राम PO43- रेडिकल में बताइए कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फॉस्फोरस का नहीं, ऑक्सीजन का नहीं, कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें कैलकुलेट करना है। आंसर आपके सामने है, 10 Na इलेक्ट्रॉन्स। आप एक बार वीडियो पॉज करके बिल्कुल ट्राई करिए, बाकी उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं। कर लिया होगा आपने, तो चलिए आगे करते हैं। दिया हमारे पास 19 ग्राम PO43-। देखिए कुछ भी सॉल्व करने से पहले हमें क्या निकालना होगा? पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? पार्टिकल्स हैं। तो देखिए उसके लिए हमें क्या चाहिए? मोल्स चाहिए। क्या चाहिए? मोल्स। तो पहला काम, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू, अब इसके भी तीन फॉर्मूले, एक पार्टिकल्स बेस्ड, एक मोलर वॉल्यूम बेस्ड, यानी कि वॉल्यूम बेस्ड, एक और था हाँ मास बेस्ड। आप हमें ये बताइए जो डेटा हमें दिया गया है इस हिसाब से हमें कौन सा यूज करना चाहिए? हाँ मास बेस्ड करना चाहिए। तो देखिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, राइट। तो देखिए कितना मास दिया गया हमारे पास? 19 ग्राम। पहले से ये ग्राम में है तो हमें कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होगी। अपॉन मोलर मास किसका? फॉस्फेट आयन का। तो देखिए फॉस्फोरस का मास 31 ग्राम मोलर मास की बात करेंगे तो, ऑक्सीजन के एक एटम का मोलर मास 16 ग्राम, क्योंकि टोटल कितने हैं? 4 एटम्स, तो 64 ग्राम। सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 95 ग्राम आ जाएगा। तो मोलर मास यहाँ रख दीजिए 95 ग्राम, कर सकते हैं। अब देखिए ये 19 और 95 जा 95 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1/5। अब आप इसको डेसिमल बना लीजिए। अच्छा हम क्या कहते हैं, आप इसको डायरेक्ट डिवाइड मत करिए, अगर आपको कभी भी डिनोमिनेटर में 5 मिल गया तो बस क्या करिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ऊपर क्या मिला आपको? 2। नीचे क्या मिला आपको? 10। 2/10 का मतलब 0.2, हम यहाँ लिख देते हैं 0.2 मोल, सही है। आप ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं डेसिमल लेके तो 0.2 ही आएगा, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, सही है। तो अभी तक हमने क्या निकाल लिया? हाँ कि कितने मोल्स हैं मेरे पास? 0.2 मोल, या हम क्या लिख सकते हैं? 0.2 Na लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। क्या है मेरे पास? PO43- रेडिकल है। हमसे ये सब नहीं निकालना के लिए कहा गया, हमसे क्या निकालने के लिए कहा गया? इलेक्ट्रॉन्स। तो हम पहले लिखेंगे 1 PO43- कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, चलिए पता करते हैं। फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हाँ 15। सिर्फ हमें ये भी इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है। ऑक्सीजन के एक एटम में कितने होते हैं? 8 8 4 जा 32, सो 15 and 32 कितना हो गया? 47। क्या 47 इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नहीं, ये तो तब 47 होता जब इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है और इस चार्ज की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए होंगे? बदल गए होंगे। 3- का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे इसके पास 3 एक्स्ट्रा है, इसने 3 किसी और के भी ले रखे हैं। सो 47+3 दैट इज इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ गई? चलिए अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। यानी हमें मिल गया कि एक फॉस्फेट आयन रेडिकल में 50 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। हमें किसके लिए निकालना है? 0.2 Na के लिए, लिख लीजिए 0.2 Na PO43- इज इक्वल टू, क्या करेंगे? इसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, किस में? 50 में।
देखिए क्या हो जाएगा, 50 इंटू 0.2 Na, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 52 या 100, पॉइंट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 Na। किसका नंबर है ये? इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये आ गया आंसर, क्या 10 Na इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से, अगर आपको मास दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स का, तो पहला काम तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। दूसरा काम आप लिखिए कि एक रेडिकल में या एक मॉलिक्यूल में, जो भी आपको दिया रहेगा, आप एक पार्टिकल बोलिए सबसे अच्छा, एक पार्टिकल में कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स हैं। जो पूछा रहेगा सिर्फ वो निकाल कर लिख लीजिए, फिर जितना मोल आया उतने का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका रेडी। कर सकते हैं? चलिए देखिए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप ट्राई करेंगे। चलिए ट्राई करिए। क्या दिया? कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 0.12 किलोग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन। कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ट्राई करिए फटाफट। वीडियो पॉज करिए। कर लिया आपने, अब हम सॉल्व करें। देखिए कितना आंसर है, आंसर चेक कर लीजिए आप। सिक्सटी एन ए आया है, बहुत अच्छा। नहीं आया है तो इसलिए अभी डिस्कस करते हैं। देखिए 0.12 किलोग्राम कार्बोनेट आयन, यही दिया ना? ठीक है। अरे पहला काम, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। किससे? गिवन मास से। कितना दिया है हमें? 0.12 किलोग्राम दिया है अपॉन मोलर मास। कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 16, 3 जा 48, यानी कि 60 ग्राम। क्योंकि ये किलोग्राम में दिया है तो पहले हम इसको क्या बनाएंगे, ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, ये हो जाएगा 120 ग्राम अपॉन 60 ग्राम। कैंसिल कर देंगे, आ गया आपका आंसर 2 मोल्स। चलिए ये तो अभी मोल्स है, क्या ये आंसर है? नहीं। तो आंसर कहाँ है? आंसर अभी आ जाएगा। देखिए वन कार्बोनेट आयन कंटेन्स, क्या निकालना हमें? प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो पहले कार्बोनेट आयन के लिए डिस्कस कर लीजिए। कार्बन में 6C12 होता है, कितने प्रोटॉन्स होंगे? प्रोटॉन्स 6 होंगे, ये होता है प्रोटॉन्स। ऐसे ही ऑक्सीजन में एक एटम की अगर बात करें तो 8 आएगा, क्योंकि 3 एटम्स हैं, सो ये हो जाएगा 8, 3, 24 एंड 6, 30 प्रोटॉन्स। इतना तो आप कर ही सकते हैं, यही अब स्टार्टिंग हमने डिस्कस भी किया था। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्यों डिस्कस कर रहे थे ये चीज़। चलिए अब हमें कितना आंसर के लिए निकालना है? 2 मोल्स के लिए, तो हम निकलेंगे 2 मोल्स कार्बोनेट आयन कंटेंस। क्या करेंगे? 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 मोल्स। अच्छा 2 मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं? हाँ 2 Na लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया आपका 60 Na। क्या? प्रोटॉन्स। सही है, आसान है, कर सकते हैं। चलिए कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ तो आप समझ गए होंगे किसका क्वेश्चन होगा, न्यूट्रॉन्स का। चलिए आंसर आपके सामने है 312 Na। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 612 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। चलिए फटाफट वीडियो पॉज करके करिए सॉल्व। कर लिया, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हमें? 612 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो बस पहला काम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए। गिवन मास ग्राम में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन मोलर मास। पता है ये एल्युमिनियम कितना होता है? 13 Al 27 होता है ना, यानी कि मास नंबर कितना है? 27। 27 टू जा 54, एल्युमिनियम के 2 एटम का मास 54 हो गया, ऑक्सीजन के 3 एटम का मास 48, 16 3 जा, सो 54, हाँ 54 एंड 48 आई थिंक कितना 102 हो जाएगा क्या? हाँ सही है, 102 ग्राम। कैंसिल कर देंगे, देखिए 6 आ जाएगा आंसर।
कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ गया आपका 6 मोल्स। बस तो अब आपका काम हो गया, क्या लिखेंगे हम, 1 एल्युमिनियम ऑक्साइड कंटेंस, क्योंकि हमें न्यूट्रॉन्स निकालना है तो हम सिर्फ बात किसकी करेंगे, न्यूट्रॉन्स की। देखिए एक एटम एल्युमिनियम में 27 - 13 यानी कि कितने हैं, 14 न्यूट्रॉन्स हैं। अच्छा हम न्यू पेज पे कर देते हैं, देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का निकालना है तो पहले हम एक तरफ एल्युमिनियम का लिख लें, दूसरी तरफ ऑक्सीजन का, सो इट विल बी 13 एंड 27, दिस विल बी 8 एंड 16। इसमें हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। देखिए हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए बस, तो 27 - 13 यानी कि 14 × 2 दैट इज इक्वल टू 28। दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ एल्युमिनियम। नाउ 16 - 8 इज 8 × 3 दैट इज इक्वल टू 24 न्यूट्रॉन्स। दीज आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, टोटल 28 + 24 इज इक्वल टू 52 न्यूट्रॉन्स। सो हम क्या लिख देंगे, 1 एल्युमिनियम ऑक्साइड कंटेन्स 52 न्यूट्रॉन्स। कितना आया था टोटल हमारा, 6 मोल्स, यहाँ लिख लेंगे 6 मोल्स Al2O3 कंटेन्स 52 × 6 मोल्स, 6 मोल्स का मतलब 6 Na, सो 52 × 6 Na, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30, 31, 312 Na क्या आ गया, न्यूट्रॉन्स आ गए। सही है, कर लिया था आपने, हाँ। यानी कि आपको ऐसे क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है, हाँ, कैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल का ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें हाँ आपके कैटायंस एनायंस सब आ जाते हैं, तो उसको ज़्यादा अच्छा रहेगा हम वो कहें। सही है, कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़े। ये देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये आपके होमवर्क हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया होगा आपने, कर लिया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस विच कंटेन्स 70 Na इलेक्ट्रॉन्स। लो कर लो बात, अब आपसे उल्टा केस पूछा गया है, यानी कि अब तक हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स निकालते थे इतने मास में, राइट, अब क्या दिया है कि आपको दे दिया इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मतलब ये कितना मास की ज़रूरत पड़ेगी। सही है, उसमें मास दिया होता था इलेक्ट्रॉन्स निकालते थे हम, इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिया और कह रहा है आप मास निकालिए, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस आइए, पिछले लेक्चर में जो हमने सीखा था अब हम उसी का यूज करेंगे, ये आएगा हमारा 140 ग्राम आंसर। तो चलिए डिस्कस करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम पहले लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कार्बन में क्योंकि चार्ज नहीं है तो कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा और ऑक्सीजन का 8, यानी कि टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स, ये बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको एक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, हाँ जैसे पीछे हम करते थे ना एक बनाते थे मोल्स में, उसी तरह हम इसको क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, हमें 14 से इसको और इसको दोनों को डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 1/14 मॉलिक्यूल CO इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। एक तो ये तरीका समझ लीजिए, या फिर क्योंकि हमें यहाँ 1 चाहिए हम इस 14 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ अपॉन में चला गया, 1/14 हो गया, यहाँ तक सही है। हमारे क्वेश्चन में कितना दिया गया हमें, 70 Na इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अब हम इस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 70 Na का, और यही नंबर मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ करना पड़ेगा, सो 70 Na का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे, तो देखिए 14 × 5 = 75, 5 आ गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 5 Na
कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, ये नंबर किसका है? मॉलिक्यूल्स का, सही है। चलिए फाइव एन ओ को हम और क्या लिख सकते हैं? हाँ, फाइव मोल्स लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तब देखिए, अगर आपको मोल्स पता है और आपसे मास पूछा जाएगा, मोल से मास पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड? हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे। किसका? मोलर मास का। किसका मोलर मास लेंगे हम? कार्बन मोनोऑक्साइड का। देखिए, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, टोटल 28 ग्राम। तो बस 5 × 28 दैट इज इक्वल टू 140 ग्राम। सो आंसर क्या आ गया हमारा? 140 ग्राम। कर सकते हैं? कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए। तो चलिए, आपके पास ये तीन क्वेश्चन होमवर्क है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको खुद से ट्राई करना है घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 0.72 लीटर ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम प्रेशर। अच्छा, ये तो ये 27 डिग्री सेल्सियस पे दिया है ना, तो 27 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वेपर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में? आइस। हाँ, लिक्विड फॉर्म में। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर। आप नॉर्मल इस टेम्परेचर पर अगर आपके पास वाटर है तो किस फॉर्म में मिलेगा आपको? लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। तो क्या बताइए, हम यहाँ पर PV = nRT, हाँ, जो फॉर्मूला हमने सीखा था ना, हाँ, उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दैट वाज ओनली वैलिड फॉर गैस, और जबकि यहाँ पर वाटर किस में हमारा? लिक्विड में है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल सा है, हमें लिक्विड वाटर के लिए एक केस पता है। क्या है वो? डेंसिटी इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर, जिसका मतलब क्या होता है कि 0.72 लीटर जो हमें दिया है, एक्चुअली वो हमें क्या दिया गया है? 0.72 किलोग्राम मास दिया गया है। हाँ, वाटर वाले केस में आपको लिक्विड के फॉर्म में लीटर में दे दिया, तो आप उसको वापस से किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मास में, क्योंकि डेंसिटी एक है। दैट्स वाई मास और वॉल्यूम दोनों भी क्या आएंगे? एकदम सेम आएंगे, सही है। तो देखिए, वॉल्यूम दिया था 0.72 लीटर, हम इसको मास बना दें 0.72 किलोग्राम। हमें कैलकुलेशन में किलोग्राम चाहिए कि ग्राम? ग्राम चाहिए ना। मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, 720 ग्राम आ जाएगा। कितना तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो बस नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, किसके? वाटर के निकाल रहे हैं ना। तो गिवन मास 720 ग्राम अपॉन मोलर मास, किसका? वाटर का। तो बताइए, वाटर का मोलर मास कितना आ जाएगा? हाइड्रोजन के एक एटम का 1, 2 एटम्स का 2, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, टोटल 18 ग्राम, क्योंकि मोलर मास है तो यूनिट क्या रहेगी? ग्राम। तो 18 ग्राम डिवाइड करिए, देखिए कितना हो जाएगा, 18 × 4 = 72, 40 मोल्स आ गए। क्या ये आंसर है? नहीं, हमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सही है। नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल लिए, न्यूट्रॉन्स निकालना है। चलिए बात करते हैं अब 1H2O मॉलिक्यूल की। देखिए, हाइड्रोजन की बात करें अगर हम तो 1H1, ऑक्सीजन की बात करें तो H8O16, राइट। देखिए, इसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो 0 होगा, क्यों? 1 - 1 = 0। इसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो 16 - 8 की वैल्यू 8, सही है। टोटल कितना हो गया? अच्छा, हाइड्रोजन 2 है ना, इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिए। 0 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, 0 ही रहेगा। 0 + 8 की वैल्यू कितनी आ गई? 8, यानी कि 8 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे हमें एक मॉलिक्यूल में। कितना? एक मॉलिक्यूल में। लेकिन हमें हमारे पास कितने हैं? हाँ, 40 Na था ना, चेक कर ले। हाँ, 40 मोल्स, तो लिख लीजिए 40 मोल्स H2O कंटेंस। बताइए क्या करेंगे? 8 × 40 मोल्स, 40 मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं? 40 Na लिख सकते हैं। दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो 48 जा 320 Na
न्यूट्रॉन्स, सही है, कर सकते हैं। चलें आंसर चेक कर लीजिए, आंसर तो दिया ही नहीं है, नीचे दिया होगा, देखिए सिक्स हंड्रेड फोर्टी एन ए न्यूट्रॉन्स, हम लोग कितना 320 आया, क्या गड़बड़ हो गया? H2O contains 16 न्यूट्रॉन्स, नहीं तो इस पार्ट को आप यहाँ से ना सही कर लेंगे, यहाँ कितना आएगा 8 न्यूट्रॉन्स आएगा ना, हाँ ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन का जीरो हो जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगा आपका 8, 8 इंटू 40 की वैल्यू कितनी आएगी 320 एन ए, कर सकते हैं। तो बस अब आप कर लीजिएगा कंप्लीट इसको, ये करेक्शन कर लीजिएगा, आंसर कितना आएगा आपका 320 एन ए न्यूट्रॉन्स। चले अब हम काम की चीज़ें सीखेंगे। अच्छा उससे पहले एक होमवर्क है आपको दिखा दें, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप घर पर ट्राई करेंगे हो जाएगा। क्या दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 54 ml वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस कैलकुलेट भी क्या करना है आपको, न्यूट्रॉन्स ही कैलकुलेट करना है, कर लेंगे। चलिए सही है, याद रखना है आपको 54 ml का मतलब कितना ग्राम, हाँ 54 ग्राम, 54 लीटर का मतलब 54 किलोग्राम, लीटर को हम किलोग्राम बनाते हैं, मिलीलीटर को ग्राम बनाते हैं, कर लीजिएगा आप। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप कहेंगे सर हमें पहले से ही आता है, हाँ लेकिन अब हम थोड़ी सी उसको अलग तरीके से पढ़ेंगे, सही है। अलग का मतलब क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, यानी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, हम इस बारे में बात करेंगे उसके ऊपर कितना चार्ज है, बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं, एल्युमिनियम अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बोलें तो कितना चार्ज है 3, अगर हम पूरा एक साथ बोले तो 3+ बोलेंगे, लेकिन हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो कितना चार्ज है इसके ऊपर 3, ऑक्सीजन के ऊपर 2, मैग्नीशियम के ऊपर 2, क्लोरीन के ऊपर 1, सोडियम के ऊपर 1, सही है। ये हमारा चार्ज के साथ लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारा विदाउट चार्ज, यानी कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात किए हैं, एक बात। दूसरी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान सी चीज़ है, देखिए आप हमें ये बताइए इसके ऊपर ये 3+ चार्ज क्यों आया होगा, हाँ क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट किया होगा, सही बात है, ये बताइए, यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है इसलिए। चलिए ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज क्यों आया होगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी के एक्सेप्ट किए होंगे। उसी तरह मैग्नीशियम पे 2+ क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, यानी कि 1e लिखिए या सिंपल सा e लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमें अगर ध्यान से पूछे मैग्नीट्यूड वाइज, तो हम कहें कि इसके ऊपर कितना चार्ज है 3 इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज कितना इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक बात तो ये रही। दूसरी आपको पता होगा 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, पता है ना, हाँ। तो देखिए जब भी हमें कहा जाएगा चार्ज कैलकुलेट करने का, तो हम 3, 2, 4 की बात नहीं करेंगे, हम +2, +5 की भी बात नहीं करेंगे, +1 की भी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, 4 इलेक्ट्रॉन्स की, 3 इलेक्ट्रॉन्स की, बात समझ में आ गई। यानी कि हम जो भी चार्ज डिस्कस करेंगे किस में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन भी एक टाइप का चार्ज की यूनिट है, जो कि अब तक की सबसे छोटी यूनिट है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज डिस्कवर्ड ऑफ द चार्ज, इस चार्ज का सबसे छोटी यूनिट है जो अब तक की डिस्कवर की गई है, कितना है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर
-19 कूलम्ब। सही है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हमें। चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, पूरा नहीं दिख रहा है ना। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 0.12 किलोग्राम कार्बोनेट आयन। सही है। तो बस देखिए, हमें कुछ भी कैलकुलेट करने से पहले क्या निकालना होता है, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ना। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। कर लीजिए, कितना दिया है 0.12 किलोग्राम, 0.12 किलोग्राम कार्बोनेट आयन, ये किलोग्राम है। तो बस पहला काम, n इक्वल टू गिवन मास, मास किसमें दिया है किलोग्राम, इसको ग्राम में बना लीजिए, ये हो जाएगा 120 ग्राम अपॉन मोलर मास। देखिए इसका मोलर मास निकालेंगे तो आ जाएगा 60 ग्राम, आप करके देख लीजिएगा, 48 एंड 12 60, हाँ डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया आपका 2 मोल्स। 2 मोल्स किसके नंबर आए हैं, कार्बोनेट आयन के, आया ना। तो बस अब हमें क्या करना है, अब हम लिख लेंगे 1CO32- कंटेन्स एक मॉलिक्यूल या फिर एक कार्बोनेट आयन में कितना चार्ज है, 2- क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 2- नहीं, अभी तो हमने सिखाया, हम क्या लिखते हैं इसको, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। सही है। तो बस हमसे कितने के लिए पूछा गया है, 2 मोल्स के लिए, तो लिख लीजिए 2 मोल्स कार्बोनेट आयन कंटेंस मल्टीप्लाई बाय 2 मोल्स। 2 मोल्स का मतलब 2Na इलेक्ट्रॉन्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 × 4Na इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो बस और क्या करना है, इसको और आगे सॉल्व कर देंगे। कैसे, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आप लिखेंगे, चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम इंटू एन ए की वैल्यू भी पता आपको 6.022 × 10⁻²³। बस अब आप इस सब कुछ सॉल्व करके रख देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ आप करेंगे अगर इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करना हम चाहें रफ आइडिया लेके, तो देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी अप्रॉक्स 10, कितनी हो जाएगी अप्रॉक्स 10 हो जाएगी, तो 10 लिख लीजिए, -19 और +23 को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4×10⁵ क्या कूलम, चार्ज निकाल लेते ना यूनिट कूलम में आ गई, तो ये आएगी हमारे एग्जैक्ट आंसर। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम तो कैलकुलेशन करना जानते ही हैं, तो हम बस अपने आंसर को ई में ला कर छोड़ देंगे, एन ए और इलेक्ट्रॉन्स में। सही है। तो देखिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप करिए, ये आपका होमवर्क है, आप इसका फोटो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि आप खुद से ये ट्राई कर सकें। चलिए एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको डिस्कस करते हैं, फिर आज का लेक्चर हम यही फिनिश करेंगे। क्या दिया, मोल परसेंट एंड मास परसेंट ऑफ अ मिक्सचर। कई बार हमसे कह देगा आप मोल परसेंट निकालिए, मास परसेंट निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो अभी हम आगे एक बार फिर पढ़ेंगे, लेकिन तब तक आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिए रहिए, आपको ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई एक मिक्सचर है, क्या है, एक मिक्सचर है, राइट, ये मिक्सचर है यानी कि ये कई चीज़ों से मिलकर बना होगा, तो हमने मान लिया ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है, किससे, ए से और बी से, मान सकते हैं कुछ भी होगा, हम मान लिए कोई वो एक ए और बी से मिलकर बना है। अब बताइए उसमें ए का कुछ ना कुछ मास होगा ना, जितना मिलाए होंगे उससे कुछ ना कुछ मास होगा, हमने उसको लिखा डब्ल्यू ए मास ऑफ ए, उसी तरह हमने इसको लिख लिया डब्ल्यू बी मास ऑफ बी, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए क्योंकि इसे कुछ ना कुछ मास है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसका मोलर मास भी होगा, मोलर मास हम आराम से निकाल लेते हैं, तो क्या हम मोल्स भी कैलकुलेट कर लेंगे क्या, हाँ बिल्कुल, तो हमें ए का कुछ ना कुछ उसमें मोल्स होगा, तो हमने लिखा उसको एन ए, दिस इज द मोल्स ऑफ ए, इन द सेम वे दिस इज द मोल्स ऑफ बी। तो ये तो रहा छोटा सा रिलेशन जो हम माने अभी। देखिए हमसे कह देगा
बताइए मास परसेंट ऑफ ए, उसमें ए का कितना मास है, तो बस जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं और नीचे हमें से क्या लिखते हैं टोटल। तो देखिए हमारे लिए ए का निकालना है मास परसेंट, तो ए के कितने मास है हमारे पास, डब्ल्यू ए हमने ऊपर लिख लिया, डब्ल्यू ए अपॉन टोटल मास कितना आएगा, डब्ल्यू ए या डब्ल्यू बी, हाँ टोटल मास तो दोनों को ऐड करने के बाद आएगा, दैट इज डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। बात समझ में आई मेरी, हाँ टोटल मास तो दोनों के मास जब ऐड करेंगे तब आएगा, सही है। तो हमने लिख लिया डब्ल्यू ए अपॉन टोटल मास, टोटल मास को हमने क्या लिख लिया डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, सही है। ऐसे ही अब बताइए बी के लिए मास परसेंट ऑफ बी, इसका मास कितना है डब्ल्यू बी अपॉन टोटल मास, टोटल मास क्या होगा डब्ल्यू बी या डब्ल्यू ए, हाँ दोनों का सम, तो ये हो गया हमारा टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई 100, क्यों, क्योंकि हम परसेंटेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट ऐसे ही देखिए, अब तो आप खुद से बता सकते हैं, बताइए परसेंटेज मोल या मोल परसेंट ऑफ ए, ए के कितने मोल परसेंट आएगा, तो इसके मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, तो एन ए अपॉन टोटल मोल्स कितना होगा एन ए प्लस एन बी इंटू 100। इसी तरह से मोल परसेंट ऑफ बी, तो मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स इंटू 100। समझ में आ रही मेरी बात, कर सकते हैं, चलिए कर सकते हैं। तो एक और चीज़ आप देख लीजिए, इसको डिस्कस करने से पहले एक बात हम आपको बता दें, अगर आप वीडियो को डाउनलोड करके देखते हैं तो कोशिश करिए कि आप वीडियो को डायरेक्ट देखिए, डाउनलोड करके ना देखें, बात समझ में आ रही है, इससे क्या होगा इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा, तो ये वीडियो बाकी लोगों को भी रिकमेंड की जाएगी। जब आप डाउनलोड करके देखते हैं तो इससे इसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, हो सकता है फिर बाद में चैनल को बंद भी करना पड़ जाए, तो आप इसी का ध्यान रखिए, मैक्सिमम कोशिश करिए कि आप अपने वीडियो कंटेंट को ऑनलाइन ही देख लें। चलिए मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, अरे मोल्स ऑफ द सब्सटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, हाँ उधर स्पेस नहीं था हमने नहीं लिखा है, लेकिन आपको तो समझ में आ रहा है ना, मोल्स ऑफ द सब्सटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अगर हमें यहाँ से मोलर मास का फॉर्मूला बनाना हो, किसका मोलर मास का, तो हम क्या करेंगे मोलर मास को राइट साइड से लेफ्ट में लेके आएंगे और इसको लेफ्ट साइड से राइट लेके जाएंगे, तो ये तो चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा नीचे, तो देखिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, आएगा फॉर्मूला मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, आएगा कि नहीं आएगा ना। तो बस अगर हमसे कोई कह दे कि बताओ भाई एवरेज मोलर मास निकालना, आपको क्या करना, आपको एवरेज मोलर मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है। अच्छा आपको ये पता है वेलोसिटी वाला एक फॉर्मूला, वो तो बच्चों को भी पता है, देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, जब हमसे कोई कह देता बताओ भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, तब क्या लिखते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, लिखते हैं ना, तो बस इसी चीज़ का हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए मोलर मास का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, याद भी है, अब एवरेज मोलर मास जब पूछेगा तो हम क्या लिख देंगे टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, टोटल मास ऑफ द मिक्सचर उसमें जो भी मिक्स किए गए हैं सबका टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर, सही है। देखिए फॉर्मूला वही है, बस यहाँ मास था यहाँ टोटल मास हो गया, यहाँ मोल्स था यहाँ टोटल मोल्स हो गया, क्यों हुआ वो भी आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ मोलर मास निकाल रहे थे, हम क्या निकाल रहे हैं एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज को हमेशा टोटल अपॉन टोटल करके निकालते हैं, तो देखिए टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर में एक से ज़्यादा कंपोनेंट होंगे, सबके मास डिवाइडेड बाई सबके मोल्स, सही है। तो बस आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, टिल दैट थैंक यू सो मच।